वेलकम बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेज ऑफ एएससी अप्लाइड साइंस क्लासेज। आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हुए एक लास्ट दो क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग में सारे क्वेश्चंस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, डाइट से रिलेटेड हो, एलोकेशन से रिलेटेड हो, सब एक ही टाइप के बनते हैं, एक ही पैटर्न है। लेकिन फिर भी और फर्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसके बाद बाकी क्वेश्चन को कुछ हिंट भी दिया था, तो आज उसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग टेंथ, और बाकी के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील हो रहा हो तो आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा हेल्प। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो दो क्वेश्चन बनाने के बाद आपको कोई तीसरा क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब इसमें हमने ऐसे सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, लेकिन हमने एक 10 क्वेश्चन को ऑप्ट किया है जो उस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के जस्ट पहले का, और उसमें परसेंटेज की बात आई है। तो थोड़ा सा हम आपको परसेंटेज वाला भी कैलकुलेशन दिखाने के लिए हमने अदर क्वेश्चन के अपेक्षा 10 को ही ऑप्ट करना अच्छा समझा। तो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। इस 10 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 and F2। F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड, एंड F2 कंसिस्ट ऑफ 5% नाइट्रोजन एंड 10% फॉस्फोरिक एसिड। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशंस, अ फार्मर फाइंड दैट शी नीड्स एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फॉर हर क्रॉप। इफ F1 कॉस्ट ₹6 per kg एंड F2 कॉस्ट ₹5 per kg, डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज सो दैट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर मेट इन ए मिनिमम कॉस्ट। व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट? ठीक है, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के होते हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं। पहले तो दो टाइप का वेरिएबल देखना है हर एक क्वेश्चन में, तो यहाँ वेरिएबल है कि F1 और F2 की क्वांटिटी, अमाउंट कितना लिया गया है, वही पूछा जा रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पूछा जा रहा है। तो लेट द क्वांटिटी ऑफ यूज फर्टिलाइजर्स F1 and F2 बी X kg and Y kg रिस्पेक्टिवली। मान लिए दोनों का, F1 का X kg, F2 का Y kg, तो देन टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो ₹6 per kg पहले वाला है और ₹5 per kg दूसरे वाला है, तो पहले वाला X kg लिए हैं तो 6x, दूसरे वाला Y kg लिए हैं तो 5y, तो टोटल कॉस्ट आपका हो गया 6x + 5y। ओके, अब इसके बाद हम जिसका मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है उसको जेड मान लेते हैं, तो लेट जेड इक्वल्स टू 6x + 5y। ठीक है, तो अब LPP कैसा होगा, तो देन द LPP बिकम्स, देन यहाँ पर आप कॉमा दे सकते हैं, जेड इक्वल्स टू 6x + 5y। मिनिमाइज करना है इसको, फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, तो कॉन्स्टेंट को ही लिखने में देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पहले वाले में 10% नाइट्रोजन है, तो हम लोग क्या सीखे हैं कि आइटम वाइज निकालना है, तो यहाँ पर दो आइटम की बात कर रहा है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन इनको तो हम माने नहीं हैं, माने तो हैं हम F1 F2 को। तो अब एक बार नाइट्रोजन वाला आइटम का टोटल देखेंगे X और Y में, एक बार फॉस्फोरिक एसिड का देखेंगे, और कुछ दिया रहता तो फिर उसका देख, यही बात क्लियर करना है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के साथ, क्योंकि हम तो XY उसको माने नहीं हैं। तो अब नाइट्रोजन के हिसाब से देखते हैं, तो 10% है पर kg आपके X वाले में, F1 टाइप में, तो 10 × X/100 कर दिए। दूसरे वाले में F2 में आपका नाइट्रोजन 5 kg है, तो 5 × Y/100 कर दिए, टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हुआ, और कह रहा है कि इसको 14 kg कम से कम होना चाहिए, तो एटलीस्ट 14 है, इसका मतलब कि आप समझ चुके हैं कि ग्रेटर देन का साइन देना, जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हम इसको काट देते हैं, ये भी आपका 20 हो जाता है, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे 2x + y, और 20 मल्टीप्लाई करेगा तो 280 हो गया। अब इसके बाद इसमें हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
ये 1.10 से 10 कट सकता है, ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 50, ठीक है। इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू ये भी 14 kg होना चाहिए। 6% है पहले मैंने सेकंड वाले में ना फॉस्फोरिक एसिड है, तो फॉस्फोरिक एसिड पहले वाले में F1 में आपका 6% है, तो 6 × x/100 किए, और दूसरे में 10% है तो 10 × y/100 किए। तो ये फॉस्फोरिक एसिड के हिसाब से ही बना है, ये आपका नाइट्रोजन के हिसाब से बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई किए कटा करके तो 3x + 5y = कितना आ गया हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 700। तो ये दोनों हो गए, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप तो जानते ही हैं ना कि नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट हमेशा होंगे, चूँकि एक्स वाई क्वान्टिटी कभी भी माइनस में नहीं आएगी किसी भी अमाउंट को, अगर मास निकालें तो मास माइनस में नहीं आता है। फिर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन एज बिफोर आप कर सकते हैं, ये साइन हटाएंगे ये वाला और ये वाला, तो आपका बच गया 2x + y = 280, 3x + 5y = 700। दो इक्वेशन हो गए, x = 0 आपका वाई एक्सिस होता है, y = 0 एक्स एक्सिस होता है, ये अंडर नोन है। तो अब इसके बाद है वैल्यू चार्ट बनाएंगे। वैल्यू चार्ट भी बहुत सिंपल तरीके से है, आप खुद से बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे एक्स वाई लिख लिए, एक्स का 0 लेंगे इसमें तो y बराबर हो जाएगा 280, अगर y को 0 लेंगे तो 2x = 280, यानी x का वैल्यू 140 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से सेकंड वाले में चलते हैं, तो x रखेंगे तो यहाँ पर 140 होगा, और y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 700/3, चाहे 700/3, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने का सारा प्रोसेस तो आप जान चुके हैं, 0 × 280 लेना है, 140, तो देखिए 0 × 280 यहाँ लिए और 140 यहाँ लिए, लिख दिए हैं 140 आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, जैसे इसको आप यहाँ क्रॉस कर रहा है तो चाहे तो आप इसको हटा करके यहाँ से, और यहाँ भी लिख सकते हैं कि 140, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो ग्राफ है आपका ये, इसको पहले मिला दीजिए, इसके बाद दूसरा ग्राफ है 0 × 140, तो 0 × 140 यहाँ हुआ, 720/200 से आगे जाएगा 720/3 और 0 हो गया, इसको भी आप मिला दीजिए। अब ये चूंकि दोनों ग्रेटर देन वाले कंडीशन है, तो आप जानते हैं कि 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना 0 के अपोजिट में, आप डायरेक्ट इधर हम एरो मार्क मार दिए, ये इधर का होगा, इसमें भी अपवर्ड ही होगा, दोनों के लिए हो गया। और इसके बाद x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के राइट जाता ही है, ये अप जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सबका ये जब एरो मार्क लगा दिए तो देख रहे हैं कि इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, और इसके भी इधर, इसके भी इधर, तो हमारा कॉमन फिजिबल रीजन यही सब होगा ना, ये तो अंडरस्टूड है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं है, पहले से ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं आप, इसका आप शेड कर लीजिएगा जरूर, बिना शेडिंग का नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये कलर भी यूज कर सकते हैं आप सेटिंग के लिए, हल्का कोई लाइट कलर भी यूज कर सकते हैं। अब हमको इसका कॉर्नर पॉइंट देखना है, तो कॉर्नर पॉइंट जो उसके बाउंड्री के दो बाउंड्री के क्रॉस पॉइंट को कहते हैं, तो इसकी जो बाउंड्री है इसके एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ मिल रहा है, इसको हमने ए लिख दिया, ये मिल रहा है, इसको भी बी लिख दिया, इसको सी, आप इसको रफ कैलकुलेशन करके डिटरमाइन करके भी देख लीजिएगा कि दो जिन दो इक्वेशन का एक क्रॉस पॉइंट है उन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 180 पर हमारा ग्राफ भी आ रहा है, आप इसको कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा कि आपका आ रहा है कि नहीं रफ में, तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमने कॉर्नर पॉइंट और जेड का वैल्यू पुट किया, ए का वैल्यू है आपका 700/30, और एक तो इसका वैल्यू निकाले तो ये कट जाएगा, 2 हो गया, तो ये हो गया कितना, 7 × 2 = 14, ये नहीं आएगा, यहाँ पर होगा ये 1400, ठीक है। और इसके बाद ये 6 का किए 100 और 80 पर किए तो ये आ गया आपका 1000, इसको भी किए तो ये भी हो गया आपका 1400, तो ये 1400 फर्स्ट और लास्ट वाला ही, ये और ये आपके 1400 दे रहे हैं और ये दे रहा है आपका 1000, तो मिनिमम हमको निकालना है कॉस्ट, तो मिनिमम कॉस्ट कौन आया 1000, ये आया मिनिमम। अब हमको देखना है कि ये चूँकि ये ओपन वाला है, अनबाउंडेड रीजन है, तो अनबाउंडेड रीजन के केस में आपको ये भी देखना है कि ये हो भी सकता है मिनिमम पॉइंट, नहीं भी हो सकता है। तो हम इसकी कंफर्मेशन के लिए पहले से जान चुके हैं
कि इसको पुट करेंगे तो पुटिंग जेड इक्वल्स टू 1000 वी गेट अब इक्वेशन क्या मिल जाएगा यहाँ पर कि 6x + 5y इक्वल्स टू 1000। इसका वैल्यू चार्ट बनाएंगे तो वैल्यू चार्ट बनाने के लिए एक तो वही पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर हमको मिला है 180 और दूसरा एक पॉइंट जीरो ले लेते हैं एक्स का तो वाई का वैल्यू 200 मिल रहा है। तो देखिए वो पॉइंट एक तो पॉइंट ऑलरेडी फिक्स है और एक दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिए कि 0 210 से थोड़ा नीचे ही आएगा। अब इसको आप मिलाएंगे तो देखेंगे सीधे ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या हो रहा है कि ये फिजिबल रीजन को सीधे बाहर बाहर टच करते हुए निकल जा रहा है अंदर नहीं जा रहा है। ये हो गया आपका 6x + 5y इक्वल्स टू 1000। ये जो लाइन है आपको केवल बाहर से टच करके निकल जा रहा है तो आप जानते हैं कि जब लाइन आपको ये इस टाइप के इक्वेशन का लाइन अगर बाहर से टच करके निकल जाता है क्रॉस नहीं करता है तो इसका मतलब कि वो मिनिमम पॉइंट है। तो वही लास्ट में लिख देना है कि द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट क्रॉस द फिजिबल रीजन देयरफोर 1000 जो आपका प्राप्त है पॉइंट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड एट 180 यानी एफ वन का टाइप आप 100 kg लेंगे और एफ टू का टाइप आप 80 kg लेंगे कम से कम तो आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हुआ और इस तरीके से आप आगे के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं और इसमें कोई दूसरा प्रोसेस दूसरा तरीका नहीं है। हम एक और प्रॉब्लम इसमें उठाते हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम आपका एक्सरसाइज में भी उस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है और मिसलेनियस के एग्जाम्पल में एक दिया है तो उस क्वेश्चन को जिसमें एक ही ऑनर के अगर दो अलग अलग फैक्ट्री हों उनके तीन डिपो हों तो वहाँ पर कैसे एलोकेट करेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम अपना ये कम्युनिटीज का तो उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम देख लेते हैं। उसमें हम आपको ग्राफ नहीं बनाएंगे हम आपको केवल सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट और LPP बता देंगे या ग्राफ का भी जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा हिंट कर देंगे उसके बाद आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो देखिए उसको एग्जाम्पल 11 में जो एक ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है मिसलेनियस में वो कहता है कि देर आर टू फैक्ट्रीज लोकेटेड वन एट प्लेस P एंड द अदर एट प्लेस Q फ्रॉम दीज लोकेशंस अ सर्टेन कमोडिटी इज टू बी डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द थ्री डिपो सिचुएटेड एट ABC द वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपोज आर रिस्पेक्टिवली 5, 5.4 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी यानी पहल कमोडिटी व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्रीज एट P एंड Q बी रेस्पेक्टिवली 8 and 6 यूनिट्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवेन बिलो हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपोज इन ऑर्डर टू द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम व्हाट विल बी द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन कह रहा है बाकी पैटर्न से थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका उसी टाइप से आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि कोई एक ही ऑनर है जिसके लिए दो फैक्ट्री हैं एक पी है और एक क्यू है दोनों जगह से आप ABC उसके तीन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यानी तीन डिपोज हैं वहाँ पर वो अपना माल भेज रहा है कमोडिटी को भेज रहा है और वहाँ से सोल्ड आउट हो रहे हैं। दिया हुआ है कि इस टाइप के प्रॉब्लम में हमेशा याद रखेगा कि प्रोडक्शन यूनिट और जो सेल किए जा रहे हैं सेलिंग यूनिट्स दोनों इक्वल होते हैं जिन तो यहाँ दिया हुआ है कि 8 यूनिट और 6 यूनिट आपको प्रोडक्ट हो रहे हैं तो टोटल 14 यूनिट हुआ है और जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट 5, 5.4 माने 5 + 5 + 4 तो टोटल आपका 14 हो गया यानी रिक्वायरमेंट और प्रोडक्शन दोनों सेम होते हैं। अब इसमें हर फैक्ट्री से ABC तीनों जगह पर जाने का रेट आपको अलग अलग टेबल में दिया हुआ है जैसे पी से ए में जाने का 160 है पी से बी तक जाने का 100 है पी से सी तक जाने का 150 है। तो हम इसका एक पहले डायग्राम बनाते हैं तो आप लिख देंगे कि रेट एक्स यूनिट एंड वाई यूनिट्स ऑफ कमोडिटी टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री पी टू द डिपोज ए एंड बी रेस्पेक्टिवली यानी एक फैक्ट्री से पहले फैक्ट्री से हम दो जगह पर ए और बी भेज रहे हैं क्योंकि हमको ध्यान में रखना है कि ये जो भी प्रॉब्लम हमको बनाना है तो टू वेरिएबल में बनाना है तो तीनों के लिए एक्स वाई जेड नहीं लेंगे हम एक्स और वाई लेंगे। तो मान लिया कि पी से हम ए को एक्स यूनिट भेज रहे हैं
और वाई बी को वाई यूनिट भेज रहे हैं, तो सी को कितना भेजेंगे? पी के पास आपका दिया हुआ है कि 8 यूनिट प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो 8 यूनिट में से एक्स भेज दिया ए को, वाई भेज दिया बी को, तो जो बच जाएगा वही भेजेगा सी को, क्योंकि टोटल कंज्यूम हो जा रहा है। तो एक्स माइनस एक्स माइनस वाई भेज दिया है आपको सी को। तो अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या है, पी है और क्यू है, दो अलग अलग जगह फैक्ट्री बना दिए, दोनों के बीच में एक ए, एक बी और एक सी, तीन जगह डिपो हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एट, यहाँ पर प्रोडक्शन है 8 यूनिट, यहाँ 6 यूनिट, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट 5 यूनिट, यहाँ भी 5 यूनिट और यहाँ 4 यूनिट, तो 5 5 4 मिलकर के 14, और ये भी 6 और 8 मिलकर के 14 हो गए। रेट दिया हुआ है इसका 160 है, इसका 100, यहाँ से यहाँ जाने का 160, यहाँ से वहाँ जाने का 100, यहाँ से यहाँ जाने का 150, और ये जो रेट दिया गया है पर यूनिट कमोडिटी के लिए, फिर यहाँ से 100 है, यहाँ से 120 है और वहाँ से 100 है। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ये डायग्राम दिखाने के बाद, तो देखिए हमने मान लिया कि यहाँ से x गया इधर, y गया इधर, तो जो बच जाएगा वो x माइनस 8 माइनस x माइनस वाई यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट में से इधर से x ले लिए हैं, तो अब कितना बच गया है, कितना और लेना है, तो 5 को रिक्वायरमेंट है, एक सम ले चुके हैं, तो 5 माइनस एक्स लेना होगा, तो 5 माइनस एक्स इधर से ले लिए। इसके पास वाई आ गया है, 5 का रिक्वायरमेंट था, तो 5 माइनस वाई यूनिट ये भी ले लिया। अब इसको कितना जाएगा, तो जब यहाँ 6 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था उसमें 5 माइनस एक्स इधर चला गया, 5 माइनस वाई इधर चला गया, तो जो बचेगा वही ना इधर जाएगा, तो 6 में से 5 माइनस एक्स को भी माइनस किया, फिर 5 माइनस वाई को भी माइनस करेंगे, इसको सिंपल करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 4, तो इतना ही गया हुआ है। अब इसके बाद टोटल कॉस्ट, तो कॉस्ट में जाहिर सी बात है कमोडिटी और उसके पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दीजिए, तो 6 कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6, तो 160x प्लस 100y प्लस 150 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 100 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 120 इंटू 5 माइनस वाई प्लस 100 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 6, यही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसको सीधा कर लीजिए, पहले अलग अलग ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया है, तो 100x जो जो आया है मल्टीप्लाई करके सिंपल है, देख सकते हैं। इसको हमने एक जगह कंक्लूड किया तो आ गया 10x माइनस 70y प्लस 190 इक्वल्स टू, अब इसको सब में 10 कॉमन हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 10 into x माइनस 7y प्लस ये 190 नहीं होगा, यहाँ पर एक सेकंड देख लेते हैं, 1200 और 500, तो ये मिलकर के हो गया आपका 1700, और 1700 है और फिर 600, तो यहाँ पर 1900 आएगा, ये आएगा और यहाँ पर आपका 19 रहेगा, ये सही है। तो 10x माइनस 7y प्लस 1900 इक्वल्स टू कितना हम कर सकते हैं, तो सब में 10 कॉमन निकाल लेंगे, तो x माइनस 7y प्लस 190, और इसी को हमने z मान लिया चूँकि इसी को मिनिमाइज करना है। तो अब LPP क्या होगा, तो देन द LPP बिकम्स, मिनिमाइज करना है जेड को, वैल्यू हो गया आपका 10 into x माइनस 7y प्लस 190। अब इसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, तो दूसरा कुछ तो दिया ही नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो जो आप भेजे हैं तो हर कमोडिटी सेंडिंग का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, निगेटिव नहीं होगा, तो बस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये 8 माइनस x माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसको सीधा करेंगे तो x प्लस y लेस देन 8 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर है कि 5 माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो इसका करेंगे तो x लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाएगा, यहाँ 5 माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 y लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाएगा, और लास्ट में ये है आपका x प्लस y माइनस 4, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो इसको सीधा करेंगे तो x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अभी तक जो हम बना रहे थे तो उसमें जनरली
एक दो अदर आ रहे थे कांस्टेंट, और एक्स वाई और वाला जो नॉन निगेटिव था वो आ रहा था। इसमें एक्स वाई के अलावा चार आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप दो का बनाते थे वैसे ही चार का बनाएंगे, छः का बनाएंगे, जितना दिया होगा बनाएंगे। इसको हिंट थोड़ा सा हमने आगे भी बढ़ा दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आप बनाएंगे तो सबको इक्वल टू जीरो करके, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वैल्यू चार्ट के लिए देखिए, ये क्वेश्चन आप बिना वैल्यू चार्ट बनाए भी बना सकते हैं, क्योंकि सब सिंपल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं वैल्यू चार्ट बनाना तो इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, इसका बना सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू एट, तो आप जानते हैं कि जीरो एट होगा और एट जीरो होगा। फिर ये आपका है x इक्वल टू फाइव और y इक्वल टू फाइव, तो हमेशा याद रखिएगा कि x और y में से कोई एक ही वेरिएबल दिया हो तो पैरेलल होता है। x इक्वल टू y है मतलब x इक्वल टू फाइव है, इसका मतलब कि ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब y इक्वल टू अगर फाइव है, चाहे कोई भी कांस्टेंट है, तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो उसका हम लोग वैल्यू चार्ट बना लिए हैं कि जैसे x इक्वल टू फाइव का मतलब होगा कि x का वैल्यू हमेशा फाइव रहेगा, y का आप चाहे जो रखिए। तो जीरो फाइव दो अपना रैंडमली रख लिए y का, और x का वैल्यू फाइव फाइव तो रहेगा ही। फिर y इक्वल टू फाइव है तो उसमें y का वैल्यू फाइव फाइव रखना है आपको, x का वैल्यू जो मन करे आप रख लिए, तो हमने जीरो फाइव उसमें भी रख लिया। फिर x प्लस वाई इक्वल टू फोर है तो इसका आप ग्राफ बनाएंगे वैल्यू चार्ट, तो x को जीरो रखने पर y फोर, y को जीरो रखने पर x फोर मिलेगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ वैल्यू चार्ट बना लेंगे। आप वैल्यू चार्ट जब बन जाएगा तो बहुत सिंपल वे में ग्राफ आप बना सकते हैं। ग्राफ का आप अगर हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप बुक का ग्राफ देख सकते हैं। अदरवाइज इस ग्राफ में बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है, साढ़े पाँच सात नंबर में मैक्सिमम हमको आठ नंबर तक जाने पर हमारा सारा हो जा रहा है। तो दस तक दो दो का आप ले लीजिए इंटरवल, चाहे एक एक का भी ले सकते हैं फुल पेज ग्राफ में बनाएंगे तो। आ इसके बाद आराम से बना लीजिए इसका हर जगह आपका जो कंडीशन है इसमें, तो आप देखिएगा कि वो क्लोज्ड रीजन आएगा, बाउंडेड रीजन आएगा। और बाउंडेड रीजन में ये जो पॉइंट मिलेंगे, जनरली सिक्स पॉइंट मिलेंगे इसमें, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पॉइंट मिलेंगे। और फिर सिक्स पॉइंट के लिए आप उसका कॉर्नर पॉइंट लिखते हुए उसका जेड का वैल्यू, जेड आपका ये है, ये टेन इंटू एक्स माइनस सेवन वाई प्लस 190 रख करके आज जेड का वैल्यू निकालेंगे। जैसा टेबल में आपको दिया गया है ये वैल्यू निकालेंगे तो 1550 आपका मिनिमम वैल्यू आ रहा है, तो इसलिए इसका टोटल मिनिमम कॉस्ट जो होगा वो होगा आपका 1550 और 0.05 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब सबका अलग अलग लिख देंगे कि मैंने पी से ए को जीरो भेजा जाएगा, बी को फाइव भेजा जाएगा, सी को थ्री भेजा जाएगा। वैसे ये का जो जो ये कंडीशन दिया है सबका एक्स वाई का वैल्यू पुट करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपके लीनियर प्रोग्रामिंग के सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग बना करके समझ करके उसको देख लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से बना सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इस सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर जो हमारा प्रोबेबिलिटी है उसके साथ मिलते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि छः सात वीडियोज में या आठ वीडियोज में आपका प्रोबेबिलिटी पूरा होगा। उसके बाद रिलेशन फंक्शन भी हम लोग करेंगे पूरा, और तब हमारा पूरा 12th का कोर्स कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोबेबिलिटी के साथ। तो प्रोबेबिलिटी को आप रिवाइज कर लीजिए कि पहले से पढ़े रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को बना लीजिए। चैनल पर अगर आपको पसंद आ रहा है, चैनल अच्छा फ़ायदा ले रहे हैं, तो एक लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और जो नए जुड़े हैं वो प्रीवियस प्लेलिस्ट के या इस चैनल के प्रीवियस वीडियो को देख करके अपना कंटिन्यूअल स्टडी कर सकते हैं, जहाँ प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे तो उनको भी हेल्प मिलेगा। तो और वीडियो को आप एक बार पहले देखिए, देख करके आप इसका जजमेंट कीजिए, देखिए कि आपको ये फ़ायदा दे रहा है कि नहीं। अगर यूजफुल होता है तो आप इसको सेव कर लीजिए, फर्दर के लिए नोट मेकिंग कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।